मैंने अपनी एयर होस्टेस की जॉब छोड़ी जो कि मेरा ड्रीम जॉब था, उसके पीछे बहुत पापड़ बेले थे। देहरादून की रहने वाली मुग्धा खत्री चंद्रवनी में सूजी मेमोरियल एनिमल रिलीफ होम बाय हीलिंग साथी नाम का एक रेस्क्यू शेल्टर चलाती है। मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए थे उसी से हमारा रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट करा था। इस सब की शुरुआत के लिए उन्हें मिलने वाले मोटिवेशन की कहानी सुनकर कोई भी भावुक हो उठेगा। 3 साल पहले मेरी एक पेट डॉग हुआ करती थी जिसका नाम था सूजी। सूजी एक देसी डॉग थी, उसको मैंने अडॉप्ट करा था। सूजी की हमने स्पे सर्जरी करवाई थी एक वेट से, ये जो स्टिचेस थे वो ओपन हो गए। हम लोग जल्दी से उसको उसी वेट के पास वापस लेके गए। उसको उन्होंने बोला कि ये सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर से उसको स्टिचेस लगा दिए। 5 बार उन्होंने सूजी की सर्जरी करी, उसको फिर से स्टिचेस लगाए। तब तक सूजी की बॉडी बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी। सूजी की जो किडनी और लीवर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं जो उसको दवाइयाँ दी गई हैं। बट एक वेट की नेग्लिजेंस की वजह से मुझे मेरे पहले पेट को खोना पड़ा जो कि मेरी एक फैमिली मेंबर थी। इस घटना ने मुग्धा की जिंदगी में इस कदर बदलाव लाया कि 2020 में उन्होंने अपनी एयर होस्टेस की ड्रीम जॉब छोड़कर बेसहारा जानवरों को क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए शेल्टर खोलने का ठान लिया। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, पैसे नहीं थे। मैं सारी की सारी सेविंग्स कोविड के दौरान फीडिंग करते हुए रेस्क्यू में लगा चुकी थी। मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए थे उसी से हमारा रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट करा था। बीमार और जख्मी जानवरों को रेस्क्यू करने के साथ साथ हेल्दी जानवरों को रात को होने वाले एक्सीडेंट से बचाने के लिए मुग्धा ने घर पर ही रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाना भी शुरू किया। हमारे एरिया के आसपास जितने भी डॉग्स और काओ म्यूज घूमते थे हम लोगों ने उनको रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाना स्टार्ट करा। पर जानवरों की मदद करते करते कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे मुग्धा आज जूझ रही है। हमारे शेल्टर होम की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 40 डॉग्स को रखने की है और इस वक्त हम ऑलरेडी ओवर द कैपेसिटी चले गए हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है मैन पावर की। अगर हमें लोग सहयोग करें, लोग हमें हेल्प करें और हमारे शेल्टर होम में आके वॉलंटियर करें तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। जब ये सब हो रहा था तो मुग्धा यहाँ पे आई कि भाई यहाँ से कुछ चीजें सीख के अपने रेस्क्यू को वो बेहतर चला पाए। यहाँ पे उसकी मुलाकात गोली से हुई। गोली एक पपी है जो सेमी पैरालाइज है और मुग्धा को था कि भाई इसको तो मैं फिजियोथेरेपी से ठीक कर लूंगी। तो इतनी मुसीबतों के बावजूद मुग्धा ने गोली को अडॉप्ट कर लिया। तो हाँ, मुग्धा एयर होस्टेस तो नहीं बन सकी पर ट्रेनिंग के दौरान जो उसको वैल्यूज मिली वो अभी भी उसके अंदर जिंदा है कि मुसीबत की घड़ी में ना सिर्फ आपने अपना बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखना है।